गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अली अंसारी एंड यू आर वाचिंग सैफ एडू टीवी। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव वॉइस जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब एक्टिव वॉइस में रहता है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, चलिए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़ और हैव, उसके बाद है वर्ब थ्री और फिर है ऑब्जेक्ट। ये है हमारा एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है ही हैज़ कॉल्ड मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो उपयुक्त होगा हैज़ और हैव में से चूज़ करके, उसके बाद हमें बीन लिखना है और बीन के बाद वर्ब थ्री लिखना है, वर्ब थ्री लिखने के बाद बाई लिखना और बाई के बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है। इस तरह से अगर हम करेंगे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में वो बदल जाएगा पैसिव वॉइस में। उसका स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल है हमारा। ही हैज़ कॉल्ड मी, आंसर क्या बन गया, पहले ऑब्जेक्ट लिखना यानी मी, मी को हम पहले लिखेंगे, जब मी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे तो वो आई में बदल जाएगा। आई के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है परफेक्ट टेंस में वो हैव लगता है, उसके बाद फिर हमें बीन लगाना है, बीन के साथ वर्ब थ्री यानी कॉल्ड, फिर हम बाई लिखेंगे और फिर हम सब्जेक्ट यानी हिम किसका बना देंगे, ही का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बदल जाएगा हिम में। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बिना किसी देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है कि उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, इसके साथ ही एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर बीन, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम से रिलेटेड सिंस और फॉर और फिर प्लस टाइम रहेगा उसमें। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। क्वेश्चन बना लेते हैं हम एक्टिव वॉइस का एक क्वेश्चन। तो एक्टिव वॉइस का हमारा क्वेश्चन है कि दे हैव, यानी दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमको क्या लगाना है, तो बीन, बीन के बाद हमें वर्ब फोर लिखना है यानी हम लिखेंगे प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग, फिर हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे फुटबॉल, फिर हमें क्या लिखना है सिंस या फॉर तो हम लिखेंगे फॉर, फिर हम टाइम को लिखेंगे फॉर टू आवर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर टू आवर्स, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। इसको अब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है कि हमें सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना है बीन, बीन के बाद हमें क्या लिखना है, तो फिर हमें लिखना है बी ई आई एन जी बींग, दोनों लिखना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ दोनों लगेगा, बी डबल ई एन भी और बी ई आई एन जी भी। ठीक है, पिछली वीडियो में अगर आपने देख लिया है तो उस वीडियो में आपको पता होगा हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे तो हम लोग क्या लगा रहे थे, तो हम लोग बी ई आई एन जी लगा रहे थे। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें हम लोग क्या लगा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग लगा रहे थे बी डबल ई एन। अब यहाँ पर ये जो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है यानी दोनों लगेगा, बी ई डबल ई एन भी और बी ई आई एन जी भी लगेगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप लिख कर बाई लगाते हुए हम लोग बाई लगाते हुए सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, तो सिंस, ये जो बच गया हमारा सिंस फॉर आवर टाइम, इसको हम लोग लिखेंगे लास्ट में, एस आई एन सी ई सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस हिसाब से हम लोग
इसका आंसर बनाएंगे। चलिए हमारा ये क्वेश्चन है, इसको बना करके देखते हैं, आप लोग भी साथ में बनाइए, क्या आंसर बनेगा देखते हैं। पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में अब ऑब्जेक्ट कौन है आपको पता लगाना है। सेंटेंस के शुरुआत में रहता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बीन लगा हुआ है, हमें लगाना है। प्लेइंग, प्लेइंग के स्थान पर हमें बीइंग लिखना है, बीन तो लगा हुआ है। प्लेइंग को हम बीइंग बना देंगे और प्लेइंग का वर्ब थ्री बनाएंगे, इसके साथ बाई लगाएंगे, यहाँ है फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है, और फिर ये फॉर और टाइम है, टाइम से रिलेटेड वाला, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट क्या मिला, हमें ऑब्जेक्ट मिला फुटबॉल, तो हम पहले किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को यानी फुटबॉल को, फुटबॉल। फुटबॉल के बाद हमें क्या लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ दे यानी ये प्लूरल है, सिंगुलर थर्ड पर्सन या थर्ड ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ हम लोग हैज लिखते, पर यहाँ पर ये क्या है तो प्लूरल है, थर्ड पर्सन तो है पर प्लूरल है, इसीलिए हैव लगा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता, ही शी रहता, या थर्ड ऑब्जेक्ट रहता, फुटबॉल रहता या कुछ, तो हैज लगता। तो यहाँ पर फुटबॉल प्लूरल है या सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, हैज, फुटबॉल हैज। फिर हम क्या लिखेंगे, बीन भी लिखेंगे और बीइंग भी, तो बीन भी लिखेंगे और बीइंग भी लिखेंगे, ठीक है। फुटबॉल हैज बीन बीइंग। अब क्या लिखना है, वर्ब थ्री, वर्ब ये है वर्ब फोर, इसको हम बदल देंगे वर्ब थ्री में, क्या बन जाएगा, प्लेड। उसके बाद क्या लिखना है हमें, बाई लगाना है। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कौन है, तो दे, इसको हमको आप कहाँ लिखना है, ऑब्जेक्ट में, यानी यहाँ सब्जेक्ट को लिखना है। जब दे हम यहाँ से उठा करके इस जगह पे लिखते हैं तो क्या बदल जाता है, तो बदल जाता है देम में, यानी आंसर बनेगा फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय देम फॉर कितना, 2 आवर्स। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय देम फॉर 2 आवर्स। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ये स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको देख करके उतार सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।